पीछे मेरा पूरा परिवार है। हम साथ, साथ। ये मम्मा है। जनु मम्मा ने किया जनुओं के साथ ही हम साथ साथ। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ कंजा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंजा का आशियाना। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हो गई है 22 सितंबर और डे है सैटरडे। तो बस ये जो 8-10-15 दिन बल्कि कह दें गुजरे हैं ना, बहुत स्पीडीली गुजरे हैं और बहुत ही बिजी गुजरे। अभी भी ये जो पीछे आपको खाली खाली जगह नज़र आ रही है ना, अभी कर्टन जो है वो वॉश होकर वो रखे हूँ मैं, वो सारी तहें लगा के। तो बस अभी फ्री होती हूँ तो इनको प्रेस कर करना, फिर ज़रा हैंग करेंगे। बाकी बस अभी छोटे मोटे काम जो हैं, कुछ अटैचमेंट्स, बस छोटे मोटे जो हैं ना, वो उन कामों को ज़रा हम डिले कर देते हैं कि चले आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, बस वो वाले थोड़े से काम रह गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजिंग्स की हैं। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों का पूरा वीक कैसा गुजरा। इसके अलावा मेरे पिछले वीलॉग्स भी जाके देख लें, शॉर्ट्स भी देख लें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और जैसे कि अभी वीडियो में आपने देखा ही कि दावियार था तो रौनक भी आई हुई है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे था, क्योंकि जुहान का स्कूल शुरू हो गया तो बस वो सैटरडे संडे को इस तरीके से ही आती है। तो बस अभी जो है सफाइयाँ स्टार्ट करने लगी हैं। वैसे घर एक बार इतना अच्छे तरीके से साफ़ हुआ हुआ है कि बस अब टाकी और रूई दो हो जाता है। तो आज वाले वीलॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं और लाइक का बटन लास्ट में दबा दिएगा। कर रही हूँ और अभी ये 6 पर्दे इस्त्री हुए हैं, ये 3, 4, 5, 6 और अभी भी 6 पर्दे रहते हैं और करूँगी। और अभी मैं थक गई हूँ और किचन में लाइट ऑन करो मम्मा। हम बना रहे हैं आज सब्जियों वाले चावल। ये बर्तन धोने के लिए हमने मासी हायर की है 3 दिन के लिए। बोलें कुछ जल्दी देना मुझे टाइम से, है? जल्दी देना टाइम से। भाई आपको सूट दे तो दिया। ओवर ओवर है ना। अपने नहीं बताया क्या परदेशी कर रही हूँ। मैंने बताया ये बन रहा है और ये चावल। बच्चा सो रहा है हमारा। ये बच्चे की अभी अभी कटिंग हुई है, दिखाएं। ये देखें जाने लगे हैं बाहर एक दो कामों से। वो है फैस, पापा, रौनक, मम्मा, मुताफ आगे वो रहा, पीछे वॉशिंग मशीन लगी हुई है। बाय बाय बाय। क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा। वो बेबी के क्यों? वो बेबी के बेबी ये फैज ने ना ये बच्चों से जांच लाने के लिए भी झूले टाट के और जुहान डर के तंग ना करे। और जुहान डर जुहान ये देखो डर लग रहा है अंकल। इधर इतना तेज तो बेटा नहीं दे रहे जो तुम्हें। बिल्कुल तुझे खड़ी करो, मैंने ना हम आए दर्जी की तरह। वो पापा खड़े हैं ये इसको देखें और इसको देखें।
सब्जी लाए थे, हम आए आकर हम लोगों ने खाना खाया सब्जियों वाले चावल, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो आके सबने यही किया कि खाना खाया। और अब जो है अब हम लोग खाने लगे हैं लड्डू पीटी। आदि मैंने खा ली तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलो वीडियो ले लेती हूँ। और लड्डू पीटी बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, बचपन में बहुत सारी खाते थे लेकिन बहुत मज़े। वापिस आए फिर आए तो बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, खाना खाया तो लड्डू पिटी आ गई, लड्डू पिटी खाई फिर थोड़ी देर सो गए, मैं सो गई थोड़ी देर से झपकी लगाई क्योंकि मोबाइल से बस एड स्किप करने था छुट्टी। फिर उठे तो अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, रह गई ना पेट में। यस, और क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब है तो मैंने वो नहीं था इस वक्त गोलगप्पा छिलका पानी में घोल के गोलगप्पे खाना ज़रूरी था और लड्डू पिटी, और वो भी तब जब लोग लड्डू पिटी मुबीन लाए हो और गोलगप्पे पापा ने खिलाने हो तो पेट का दर्द नहीं देखा जाता। ऐसी बात है जावियार मुसलसल हमारे मोबाइल की टॉर्च को देख रहा है और पता नहीं वीडियो बनी भी है कि नहीं बनी होगी, ना बनी होगी तो मैं दोबारा ही एनर्जी दूँ। ओके ओके, हम लोग जो हैं वो कहाँ रुके हैं, पानी भरने हैं गोलगप्पों से पहले। भाई पानी ज़रूरी है, घर में पानी नहीं है, फिल्टर का पानी ये भरे चल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये रौनक साहिबा, ये देखें ये इनकी कटिंग हो गई है, इनको इतना मना किया कटिंग ना करवाएं लेकिन पता नहीं क्या ही शौक था इन्होंने करवा ली। चलो खैर कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे गर्मी भी ख़त्म हो गई ऐसे। चलो कोई नहीं, मम्मा जावियार को लेके बैठे हैं, मम्मा ने पूरा मुँह उधर कर लिया कि मम्मा नजर ना आए। ठीक है गोलगप्पे खाने, शोर बहुत ज़्यादा है, सड़क है, एक्चुअली रोशनी इस तरफ है तो मुँह इस तरफ करके बैठना पड़ा, ये पीछे मेरा पूरा परिवार है, हम साथ। ये मम्मा है, जन्नू मम्मा ने किया, पापा आ रहे हैं, पापा को कोई एतराज नहीं आने में, और ये फैज और ये बच्चे और जन्नू के साथ ही हम साथ चार परिवार कहानी घर घर की। वो कौन सा ड्रामा चलता था, भगत का रिश्ता, कैसे सारे ड्रामे चलते थे ना, है ना। ओके मॉम, मम्मा ने हमें कहा है कि अपने एडजस्टमेंट चेंज करो क्योंकि बच्चे हमारे बेकाबू बच्चे हैं। ठीक है ओ बाबा, और बस अब खाएंगे कौन सबसे भैया, इन सब की तो एडजस्टमेंट ही नहीं। पापा मम्मा के साथ बैठना चाह रहे हैं शायद, पर सुहान अपने नाना के साथ बैठना चाह रहा है और ये मम्मा ने फैसला किया खिलने का। जावियार आपने क्या खाना है, जावियार क्या खाएगा, मेरे कुत्ता क्या खाएगा, आप क्या खाएंगे, और ये देखें इन दो बच्चों को, इस बच्चे ने तो हमें इतना खपाया है ना, ये बच्चा और मताब वो बैठा और चप्पल हाँ। रौनक क्या चाहिए, ये रौनक को मेन्यू चाहिए, गोलगप्पों का भी इसको मेन्यू चाहिए।
गाइस अब अगला दिन हो गया और गोलगप्पे बहुत ही मजे के थे। मेरा स्टमक बड़ा ही कोई अपसेट था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे गोलगप्पे खा लिए, बहुत ही मजे के थे। कीन जाने शुक्र है कि ऐसा वैसा मतलब उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मतलब कि और ज़्यादा पेट शेट दर्द नहीं हुआ, तो वैसे मैंने इसको गोल खा लिया था, बहुत ही मजे के थे। और उससे पहले वैसे मैंने लड्डू की छिपी खाई थी, और वैसे भी जब भाई को चीज़ खिला रहा हो ना, बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए और तबीयत भी नहीं देखनी चाहिए, बस खा लेना चाहिए। तो बस आज के वीलॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये था मेरा सारा आज का वीलॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक का बटन लास्ट में दबाएं, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए आप मेरा ये वाला वीलॉग शेयर करें, देखें, पिछले वीलॉग्स भी जाकर देख लें, शॉर्ट्स भी जाकर देखें।